चैन स्नैचिंग की हर वारदात में एक ही हुलिया और एक लाल रंग की टीवीएस अपाची बाइक की तस्वीर बार बार सामने आती थी। बाइक चलाने वाला हमेशा काले रंग का हेलमेट पहने रहता था, वहीं पीछे बैठा शख्स टोपी में रहता था। यही टोपी वाला चैन स्नैचिंग करने में माहिर है। पलक झपकते ही किसी के गले से दनाक से चैन झपट लेता था। वहीं छिनते की चैन राजधानी रांची में ही ज्वेलरी दुकान के मालिक अजय वर्मा उर्फ अजय सोनी को बेच दिया जाता था। वो रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के रिवर साइड कॉलोनी में रहता है। वैसे वो रामगढ़ से सौदागर मोहल्ले का रहने वाला है। अजय के पास से करीब 14 ग्राम गला हुआ सोना मिला है। करीब 20 चैन औने पौने दाम में उसे बेचा गया। चोरी का माल खपाने में एक महिला का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी को शक न हो। वो खुद को लाचार और बेबस बताकर चोरी का गहना बेचा करती थी। नाक नक से सुंदर शबनम परवीन उर्फ जोया उर्फ चांदनी के बारे में पुलिस को बस एक क्लू मिला था। ये क्लू झपट्टा मार गैंग के एक शातिर उचक्के ने दिया था। चांदनी एक झटके में किसी को भी अपने झांसे में ले लेती थी। एक चैन खपाने पर स्नैचरों को 20,000 रुपए कमीशन मिलता था। हाल में राजधानी रांची में चैन स्नैचिंग की कई वारदातें हुई। सबसे ज्यादा वारदात अरगोड़ा, डोरंडा, जगन्नाथपुर और धुरवा इलाके में हुई। इस बाइक और टोपी वाले को खोज निकालने के लिए हटिया डीएसपी राजा मित्रा की देखरेख में स्पेशल टीम बनाई गई। गठित टीम ने अरगोड़ा थानेदार ब्रिज कुमार की लीडरशिप में टेक्निकल सेल की मदद से झपट्टा मार गिरोह के उचक्कों को धर दबोचा। सुने क्या बोले रांची के सिटी एसपी शुभांशु जैन। पिछले कुछ 2 महीने से अरगोड़ा क्षेत्र में और मूलतः हटिया क्षेत्र में इनके द्वारा स्नैचिंग की काफ़ी घटनाएं करी गई थी। इनके द्वारा अभी लेटेस्ट में 15 अगस्त को भी घटनाएं हुई थी अरगोड़ा में 2, और 17 अगस्त को अपनी घटना को अंजाम देने निकले थे। तभी इनकी ऑलरेडी पहचान हो चुकी थी कि ये किस बाइक पे चलते हैं और किस तरह का ये यूज़ करते हैं हेलमेट वगैरह, तो उसके पहचान पर पुलिस ने चारों तरफ अपना घेराबंदी करके इन दोनों को पकड़ा है। फिर उसके बाद पूछताछ में कैसे ये अपनी ज्वेलरी को बेचते थे तो उसमें एक महिला का नाम सामने आया कि जो अपना गहना बोल के दुकान पे जाके बेचती थी। तो इसी मामले में जो वो औरत है और जो ज्वेलर है उसको इसमें गिरफ्तार किया गया है, और उसी के क्रम में इनके पास से लगभग 14 ग्राम सोना जो गला हुआ पाया गया और इनके पास जो जिस बाइक का ये यूज़ करते थे वो बरामद की गई है। फिर इसी के साथ साथ जो ये कपड़ा और जूता पहन के और हेलमेट पहन के टोपी पहन के ये छिनते ही करते थे उन सब की बरामद की गई है। जो जिन कांडों का खुलासा हुआ है उसमें कुल अभी तक हमारे सामने लगभग 22 कांड हैं और इसमें और 2-3 कांडों की और बढ़ोतरी होगी। जो पुराना एक लालपुर में बाइक बरामद करा गया था 5778 वाला, वो भी इन्हीं के द्वारा यूज़ करा था, उससे भी बहुत सारी छिनताई हुई है। और लगभग 22 कांड हैं, अरगोड़ा के 23, डोरंडा के 5, जगन्नाथपुर के 3 और ध्रुवा का 1 अभी तक खुला है। इनके अभी गैंग में शामिल 3 लोग और हैं जिनको अभी गिरफ्तार करना बाकी है। इनका नाम है मोहम्मद फाहिम अंसारी है, ये रहने वाला हिंदपीढ़ी का है, ये पहले भी 3 बार जेल जा चुका है। दूसरे का नाम मोहम्मद नौशाद है जिसको मिस्टर और बंदर के नाम से जाना चाहता है, और ये लोअर बाज़ार का रहने वाला है। फिर ज्वेलर का नाम अजय वर्मा है जिसकी ज्वेलर की दुकान का नाम विजय ज्वेलरी की दुकान है कांटा टोली का। और शबनम प्रवीण है जो औरत है जो अपने ज्वेलरी बोल के छोटे छोटे टुकड़ा जो चेन का मिलता था उनको जाके इसको बेचती थी। उनके पति भी काफ़ी बार जेल जा चुके हैं और वो भी इसी तरह के मामलों में आना जाना करते रहे जेल से। कोहराम लाइव के लिए पवन ठाकुर की रिपोर्ट।